अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज असी PMS का लोक अदब वाले पोर्शन का दूसरा टॉपिक लोक कहानी वेखांगे। लोक गीत वाला टॉपिक पहले अपलोड किया सी, लेकिन उसका भी इंशाला अच्छा वर्जन इंशाला थोड़े दिन तक अपलोड कर दांगा। ए लोक कहानी वाला टॉपिक, लेकिन सॉरी यदि PDF नहीं मिलेगी क्योंकि हाले फाइनल नहीं है। इन्हों मैं फाइनल करके फिर ही इनू PDF या सॉफ्ट फॉर्म में दे सकांगा। तुसी वीडियो कंसल्ट करके ही इहदे चों जिहड़ियां चीज़ां जरूरी समझो नोट कर लेना, क्योंकि नोट्स तुहानूं पहले दिते हुए ने। इहदे चों जिहड़ियां कुछ नवीआं चीज़ां ने उह तुसी वीडियो सुन के ऐड कर लेना। लोक कहानी बारे पहले क्वेश्चन जिहड़े आ चुके ने, लोक कहानियां विच पंजाब दी तारीख दे जलकारे मिलदे ने, तुहाडा इस बारे की ख्याल है? 2016 विच आया लोक कहानियां दा लोक अदब विच की थां है, की मुकामो मरतबा है, दसो वजाहत करो। लोक कहानियों में पंजाब की तारीख के जलकारे, सेम क्वेश्चन 16 वाला 2019 भी उन्हें रिपीट किया। तो आइंदा जोड़े क्वेश्चन आ सकते हैं लिख दिते ने सामने, इन्हों वेखना जी। लोक कहानी पॉइंट्स ने कुछ 6-7। तारफ, लोक कहानी की तारीख पुरानी है। यदा आगाज उदों होया जदों इंसान ने बोलना चालना, सोचना समझना ते चलना फिरना शुरू किया। लोक कहानी असल विच बंदे नाल वरते वाकियात या मुशाहदात का दिलचस्प बयान होंदा है, जिहड़ा तहरीर होयों बगैर सीना बसीना एक नसल तो दूजी नसल विच मुंतकिल होंदा रहिंदा है। पंजाबी अदब विच लोक कहानियां दी तादाद हज़ारां विच है। यह कहानियां कई किस्मां ते मौजूआं बारे ने, जिन्हां विच तफरीह दे नाल नाल पंजाब दी तहज़ीबो सकाफत, वसों दे जलकारे, हिकमतो दानिश दीयां गल्लां ते तारीखी वाकियात मिलदे ने। कहानी दा तारीखी पस मंजर, कहानी दे हवाले नाल इह गल यकीन नाल नहीं कही जा सकती कि पहली कहानी कहड़ी सी ते कदों हुई, पर एक गल पक्की है कि जदों इंसान नूं बोलन समझण, मुशाहिदा करन ते याद रखण दी ताकत मिली, उहने कहानी नूं जन्म दिता। असी कह सकने हाँ कि इंसान ने मुढ़लियां कहानियां अपने आस पास की हयाती तो ही लईयां होणगियां, जिवें जमीन, आसमान, सूरज, चन्न, तारे, जानवर, परिंदे, पहाड़, दरिया, नदियां वगैरह। इहो चीज़ां सी जिहड़ियां रोज़ अपने आले दुआले वेखदा ते उहनां विचों ही उहने अपनी कहानी के मौजूआत लए। मुढ़ली कहानी यानी पहली बुनियादी कहानी के मौजूआत वड वडेरियां दीयां तारीफां, मजहबी कहानियां, जिन्ना परियां दीयां कहानियां, जानवरां दीयां कहानियां, कुदरती बलावां ते आफतां दे खिलाफ जद्दोजहद होणगे, यानी मुढ़ली कहानी दे मौजूआत इस किस्म दे होणगे। जिवें जिवें इंसान दी अकल, शऊर, तजर्बा ते इलम वधिया, कहानियां दे मौजूआत रंग ढंग ते तकाजे बदलदे गए। इस्लामी अकीदे मुताबिक हज़रत आदम अलैहि सलाम दा जंतों कढ़िया जाणा दुनिया दी पहली कहानी हो सकदी है। फिर वेदां, 4 वेद ने, ऋग्वेद, सामवेद, यजरवेद, अथर्वेद, यह हिंदुआ से हिंदुआ दल मजहबी किताबा ने। वेदा दिया कहानिया, उपनिषदा ते पुराणा दिया कहानिया, यह भी हिंदुआ दजहबी किताबा ने। तो इलावा महाभारत ते रामायण वर्गिया किताबा भी ऐसा लोग कहानियां मौजूद ने जिन्हों का ताल्लुक वादीए सिंध की तहजीब नी। पर वक्री गल है कि असी इन्ह किताबों उक्का नाता तोड़ लिया, यानी असी समझने कि यह सिर्फ हिंदुआ मजहबी किताबा ने, हालांकि तहजीबों सकाफत मौजूद है, क्योंकि इंडस सिविलाइजेशन जो अजकल मौजूदा पाकिस्तान का इलाका है, यह उदों भी उदों इतने बह के किताबा तखलीक की गई। तो इन्होंने जो कुछ लिखा गया वह समझो साढ़े इलाके की पुरानी तारीख है। इंजील मुकदस से कुरान मजीद भी कई कहानियां मिलती ने जिड़िया पुरानी कौमों बारे जानकारी फराहम कर दियां ने। कुराने मजीद में हज़रत यूसुफ अलैहि सलाम की कहानी अल्लाह पाक ने खुद एहसन उल कसस यानी किस्सिया सब तो सोहना किस्सा किया है। पंजाब की सब नालों पुरानी लोक कहानी पंज तंत्र, यह कहानी दुनिया भर में मशहूर है, तो उन्होंने कहानियों का मजमूआ है जिड़िया आरियाई दौर तो मकबूले आम ने। इस तो अड कथा सुरत सागर, कलीला व दमना ते अलफ लैला कहानियां भी दुनिया दियां पुरानियां कहानियां ने। कहानी कहण ते सुनन वाले कौन होंदे ने? कहानी सुनन वाले निक्के बाल, समझदार बाल,
बच्चे कुड़ियां ते गभरू जवान होते ने, जबकि कहानी सुनाने वाले मापे यानी माँ प्यो, नाना नानी, दादा दादी, कोई सियाणा बुजुर्ग, मरासी या बिराई होंदा है। बिराई मरासियां नूं ही कहिंदे। बाल जदों होश संभालदे ने, उह मापिआं या दादिआं दादियां नानियां तों सब नालों पहली मंग कहानी सुणन दी करदे ने। बुढ़ी माई उहनूं किसे राजे राणी देव जिन या परियां दी कहानी सुणा के जिथे उहदी मंग पूरी करदी है, उत्थे बालां लई तफरीह तबा दा सामान करन दे नाल नाल बच्चियां दी तरबीयत भी करदी है, क्यों जे कहानी विच कोई ना कोई सबक जरूर हुंदा सी। बुढ़ी माई कहानी सुणांदी जांदी ते बाल बड़े गौर नाल कहानी विच डुब के कहानी सुणदे रहिंदे। बुढ़ी माई बालां दी तवज्जो हासिल करन लई जानबूझ के अटकदी, रुकदी ते फौरन बाल दा सवाल आंदा, फिर की होया बेबे? इस तरह कहानी अगे वधदी रहिंदी, इत्थों तक के बाल ख्वाबां ख्यालां विच गवाच जांदे या सो जांदे। अगले दिन फिर शाम पैण तो पहले ही कहानी सुनने की उमंग ते चाहत जाग खलोंदी ते यह सिलसिला चलता रहिंदा। हौली हौली बच्चे सियाणे हुंदे हुंदे गभरू जवान हो जाते ते उन्हां दियां कहानियां दे सिरनामे भी उम्र ते वक्त दे नाल नाल बदलते जाते। जिन्ना परियां जानवरां परिंदियां तो होंदियां, हीर रांझा, सोहनी महीवाल, मिर्जा साहिबां, सस्सी पुन्नू ते फिर अणखी सूरमियां दियां कहानियां ते गल मुकदी। अणखी यानी इज्जत वाले बहादुर सूरमे हीरो जवान जिहड़े मुल्क वास्ते कोई गैर मामूली कारनामे सर अंजाम देन, हयाती दे ढेर सारे तजर्बात इकट्ठे करन मगरों वह वेला भी आ जाता जदों उही बाल अपने हयाती दे तजर्बियां ते सुनिया कहानियां नूं ज़ेहन दीआं नुकरां विचों खोज के अगों अपने बालां ते दोतरियां पोतरियां नाल सांझियां करदे। इस तरह सिलसिला सीना बसीना चलता रहिंदा। पिंडां दे दारियां चौपालां है, दारे और चौपाले गैदरिंग दी इकट्ठ दी जगह होंदियां ने जिथे लोकी रल के इकट्ठे बहिंदे ने, विच वडेरे बजुर्गां ते सियाणियां तों इलावा मिरासी ते बिराई भी कहानियां सुणांदे होंदे सन जिहड़ियां कई कई दिन ना मुकदियां। पंजाबी कहानी दी तारीख। पंजाब धरती पंज दरियावां दे पाणी दी फरावानी पारों जरखेज़ ते आबाद धरती है। मायरीने सारे कदीमां दे मुताबिक हड़प्पा ते मोहनजोदाड़ो दियां तहजीबां, जिन्हां नूं मजमूई तौर ते वादिये सिंध दी तहजीब आखिया जांदा सी, दी कदामत दा अंदाज़ा 5000 साल है। इन्नी कदीम होण दे बावजूद है तहजीबो सकाफत इंतहाई तरक्की याफ्ता सी, जदी अपनी जबान भी सी जो अज तक पढ़ी नहीं जा सकी। इस धरती उत्ते हमलावरां दी सूरत आने वालियां कौमां विचों सब नालों पहली द्रावड़ कौम सी, फिर आरिया इस धरती उत्ते वारद होए जिन्हां दी जबान वेदी या संस्कृत सी, उन्हां सब नालों कदीम किताब ऋग्वेद रची यानी लिखी, जिहदे बारे अंदाजा है कि अज तो 3000 साल पहले मुरतब हुई सी यानी कंपाइल कीती गई सी। ऋग्वेद विच जमीन की पैदाइश समेत कई कहानियां ने जिन्हां बारे ख्याल है कि आ सारियां उस वेले दियां लोक कहानियां सन जिन्हां नूं किताबी शकल विच इकट्ठा कर दिता गया। संस्कृति अदब ज्यादातर लिखती रूप में मौजूद है, पर बदकिस्मती नाल उस तो बाद का अदब नामुनासिब ते नासाजगार हालात की वजह तो महफूज नहीं रह सकिया ते साडा ढेर सारा लोक विरसा जाया हो गया। पंजाबी कहानी लिखती रूप में कदों दाखिल हुई, लोक कहानियां किसी भी कौम का अनमोल सरमाया होंदियां ने जिहदे तो उस कौम की तारीख मिजाज नफसियात सोचण समझण दे अंदाज गोया हर एक शहर का अंदाजा लाया जा सकता है। यह वजह है कि अंग्रेजा ने इस इलाके में अपनी हकूमत कायम करने लई जिथे होर ढेर सारे इकदाम किए, उत्थे साडी तहजीबी और सकाफती विरसे यानी लोक गीतां ते लोक कहानियां नूं भी इकट्ठा किया ते छपवाया तां जी ओह कौम की नफसियात ते जाणू हो सकन। उन्होंने इन्हां ही चीज़ों तो ना अपना साडे हिंदुस्तानी कौम का मिजाज समझिया, डिवाइड एंड रूल वाला फार्मूला अपना के तुसी वेख लवो किस तरह अपनी हकूमत कायम कर दे। इस सिलसिले में पहली किताब द लैजेंड्स ऑफ द पंजाब सी, जिन्हों एक अंग्रेज सूझवान आर सी टैंपल ने 3 जेल्दों में मुरतब किया। यदि पहली जेल्द 1884, दूजी जेल्द 1885 ते तीजी जेल्द 1900 छपी। इस किताब में कुल 59 कहानियां शामिल ने।
प्रोफेसर डॉक्टर सईद खावर भुट्टा दीयां चार किताबां कमाल कहानी, बार कहानी, नाबर कहानी ते राज कहानी छपियां। इन्हां किताबां विच ओह कहानियां शामिल ने जिहड़ियां हज़ारां सालां तों बार वासियां दे सीनियां विचों मुंतकिल होंदियां नसल दर नसल साडे तक पहुंचियां ने। इस तों अड जनौर बातां, पंज नद दीयां कहानियां, पंजाब की लोक कहानियां ते होर काफ़ी सारियां किताबां छप चुकियां ने जिन्हां विच सीना बसीना मुंतकिल होंदियां आ रही लोक कहानियां नूं महफूज करके तारीख सकाफत ते वसों नूं संभालण दा आर कीता गया है, कोशिश की गई। पंजाबी कहानी दीयां किस्मां किन्नियां ने? लोक कहानी दीयां कई किस्मां ने जिन्हां विच निक्के निक्के बालां दीयां कहानियां, वड्डे बालां दीयां कहानियां, समझदार गभरू जवानां दीयां रोमानवी ते इश्किया कहानियां, तारीखी कहानियां, मुतफरक कहानियां वगैरह। जी पहली किस्म बालां दीयां कहानियां, उहदियां अगों फिर मुख्तलिफ किस्मां ने। बाल कहानियां कई किस्मां दीयां ने। पहली किस्म अलफ जानवरां परिंदियां दीयां कहानियां। लोक कहानी का वड्डा हिस्सा परिंदियां ते जानवरां दीयां कहानियां ते मुश्तमिल है जिहड़े इंसानां वांगू गल्लां बातां करदे ने। कुछ कहानियां दे नाम वेखो, चिड़ी ते कां, चिड़ी ते मुसाफिर, तोतिया मन मोतिया, चूहा ते बिल्ली, हिरनी ते शिकारी, मासी लूमड़ी, मामा गिदड़ वगैरह। दूसरी किस्म बच्चों दीयां कहानियां दी, मुख्तलिफ पेशियां नाल जुड़ियां कहानियां। जट ते जट्टी पंजाबी लोक कहानी दी दे अहम किरदार ने जिहड़े चालाकी ते होशियारी विच अपनी मिसाल आप ने। जट ते जट्टी, सॉरी पेश पै गई है कि जट्टी है, जबर है। जट ते जट्टी दीयां कहानियां विच घुग्गी जट, जट ते बिल्ली ते चलत्री जट्टी यानी होशियार चालाक जट्टी शामिल ने। लोक कहानियां दे खोजियां ने कहानी दे मैदान में जिस कौम नूं मजाइया हीरो बना के पेश कीता वह मिरासी है। चलाकी ते होशियारी विच इहदा कोई सानी नहीं। मिरासी दीयां कहानियां विच मिरासी ते मौत दा फरिश्ता, मिरासी ते मौलवी ते मिरासी ते देव शामिल ने। बिलाशुबा मिरासी दा किरदार लोक अदब दा वड्डा ते हदों वध ताकतवर किरदार है। इस तों अड जुलाए ते बांदर दी कहानी, जुलाया ते सूरज, एक सी पावली ते शहजादी ते दर्जी काबले जिक्र ने। यह जुलाया और पावली दोनों कास्ट ने। तीसरी किस्म बच्चों की कहानियां दी, राजे राणियां दीयां कहानियां। बाल कहानी की तीजी किस्म विच राजियां राणियां ते शहजादे शहजादियां दीयां कहानियां शामिल ने। कुछ नाम वेखो, राजे की बेटी बांदरां व्याई, धी राणी कोकलां, बादशाही या ईमान ते राजा रसालू की कहानी वगैरह। अच्छा जी, दूसरी किस्म वड्डे बालां दीयां कहानियां। जिवें जिवें बाल जरा सियाणे हुंदे ने उहनां दीयां कहानियां दे मौजूआत भी बदल जांदे ने। सियाणे बालां दीयां कहानियां दे सिरनामे जिन्ना परियां ते देवां दीयां कहानियां, बादशाह ते उहदा मोर, चकवा ते चकवी दी कहानी वगैरह ने। गभरू जवानां लई कहानियां तीसरी किस्म है। वधदी उमर नाल बालां विच सियाणप यानी अकलमंदी ते शऊर आना शुरू हो जांदा है ते जानवरां परिंदियां दीयां कहानियां तों अगे इश्किया कहानियां दा सिलसिला शुरू हो जांदा है। एक वेला सी पंजाब दीयां पिंडां विच चौपालां, दारियां, मजलसां, महफलां ते बोहड़ां टालियां थल्ले बह के कहानी ते दास्तान सुणन दा रिवाज आम सी। शाम वेले कम्मां काजां तों वेले हो के कहानी सुणाउण वाला कहानी छोह दिंदा, शुरू कर दिंदा ते फिर सारी रात लंघ जांदी पर कहानी ना मुकदी। ना सुणाउण वाला थकदा ते ना ही सुणन वालियां दीयां अक्खां विच नींदर आउंदी। इस तरह घरां विच भी कोई बुढ़ी माई कहानी छोह दिंदी ते बालां औरतां दी रात लंघ जांदी। अफसोस की गल है कि अजोके नफसा नफसी मादा परस्ती ते मशीनी दौर ने हयाती दे सारे मजे खो ले। पंजाब दीयां इश्किया कहानियां या दास्ताना बोतियां शायरी विच ने, पर इहो कहानियां नसरी रूप विच भी मिल जांदियां ने या नसर ते नज़म दी मिली जुली शकल विच मौजूद ने। पंजाब दीयां मशहूर इश्किया दास्ताना हीर रांझा, सोहनी मईवाल, सस्सी पुन्नू, मिर्जा साहिबा ते पूरन भगत तो इलावा जैमल फता, रोडा जलाली, कीमा मलकी, बालो माइया, समी ढोल, मोमल राणो ते जोगियां दीयां कहानियां मशहूर ने। यह भी सारिया लव स्टोरीज ही ने पंजाब दीयां, लेकिन यह ज़्यादा मारूफ नहीं जिस तरह हीर रांझा और सोहनी मईवाल मारूफ ने। चौथी किस्म तारीखी कहानियां या सूरमियां दीयां कहानियां। सूरमे बहादुर हीरो, प्रोफेसर डॉक्टर सईद खावर भुट्टा दीयां चारों किताबों में शामिल कहानियां तारीखी ने
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਬਹਾਦਰਾਂ ਅਤੇ ਹੀਰੋਆਂ ਦਾ ਅਸਲ ਮੁਆਂਦਰਾ ਯਾਨੀ ਸ਼ਕਲੋ ਸੂਰਤ ਨਕਸ਼ਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਾਖਜ਼ ਮੁਖਤਲਿਫ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਮਿਰਾਸੀ ਨੇ, ਜੱਦੀ ਯਾਨੀ ਜੱਦੀ ਪੁਸ਼ਤੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਕਈ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਨਸਲ ਦਰ ਨਸਲ ਇਹਨਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਕੇ ਕਿਤਾਬੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਛਪ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਖਬਰੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ, ਪੁਰਾਣੀ ਅਤੇ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੀ ਹਾਮਿਲ ਕਹਾਣੀ ਰਾਜਾ ਪੋਰਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ, ਜਿਹੜੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਪੰਧ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਤਿਕਰ ਅਪੜੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁਕਾਮੀ ਹੀਰੋ ਰਾਜਾ ਪੋਰਸ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਅਤੇ ਵਤਨ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਸਈਦ ਭੋਟਾ ਦੀਆਂ ਸੋਧੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਨਾਂ ਰਾਜਾ ਪੋਰਸ, ਰਾਜਾ ਕਰਨਾਲ, ਮੁੱਲਾ ਦੋ ਪਿਆਜ਼ਾ, ਦਾਮਨ ਸੁਚਿਆਰ, ਸਖੀ ਸੌਦਾਗਰ, ਚਾਰ ਸਿਆਣੇ, ਤਾਨਸੈਨ, ਰਾਧਾ ਬੁਟਿਆਣੀ, ਸਾਦੁੱਲਾ ਖਾਨ ਚਨਿਓਟੀ ਅਤੇ ਬੌਰ ਸੁਲਤਾਨ ਅਹਿਮ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਆਮ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ, ਰਾਏ ਅਹਿਮਦ ਖਾਂ ਖਰਲ, ਨਿਜ਼ਾਮ ਲੁਆਰ ਅਤੇ ਜਬਰੂ ਨਾਈ ਵਗੈਰਾ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਸੋਂ ਅਤੇ ਤਾਰੀਖ ਹੈ। ਅਨੈਲਸਿਸ ਇਹ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜਿਹਾ ਕਿ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੋਂ ਔਰ ਤਾਰੀਖ ਕਿਵੇਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੋਕ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬੋ ਸਕਾਫਤ, ਵਸੋਂ ਅਤੇ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਸਾਂਭਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਾਲਾਂ ਲਈ ਤਫਰੀਹ ਅਤੇ ਸਬਕ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਪਿੰਡ, ਦਰਿਆ, ਇਲਾਕੇ ਜਾਂ ਮਾਹੌਲ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਭਾਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੁਗਰਾਫੀਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਸੀਹ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜਾਦੂਈ ਅਤੇ ਤਲਿਸਮਾਤੀ ਤਰਸ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨੋ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਬੁਨਤਰ ਇੰਤਹਾਈ ਕਮਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਹੀਰੋ ਅਤੇ ਹੀਰੋਇਨ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਹਿੰਮਤ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਲਗਨ ਅਤੇ ਜ਼ਹਾਨਤ ਨਾਲ ਮੁਖਾਲਿਫੀਨ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਸਤ ਦੇ ਕੇ ਅਗਾਂਹ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਮਕਸਦ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਕਹਾਣੀਆਂ ਅਲਮੀਆ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਅਖੀਰ ਹੀਰੋ ਦੀ ਮੌਤ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫੂਲਨ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ, ਮੀਰ ਚੰਦ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਬੈਂਗਨ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਰਿਜ਼ਵੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀਰੋ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਵਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਰਿਜ਼ਵੀਆਂ ਜੰਗੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਲੜਾਈ ਦੇ ਮੰਜ਼ਰਨਾਮੇ ਹੋਣ, ਇਹਨਾਂ ਕਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ੋ ਖਰੋਸ਼ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨਾ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਨਫ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰਾਂ 'ਤੇ ਜੰਗਨਾਮੇ ਲਿਖੇ ਗਏ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗੈਰ ਜਾਨਬਦਾਰ ਤਾਰੀਖ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ ਦੀ ਵਾਰ, ਚੱਠਿਆਂ ਦੀ ਵਾਰ, ਰਾਏ ਅਹਿਮਦ ਖਾਂ ਖਰਲ ਦੀ ਵਾਰ ਅਤੇ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਵਾਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਡ ਕੁਝ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਮਜ਼ਹਬ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ। ਮਸਲਨ ਜੰਗਨਾਮਾ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ, ਜੰਗਨਾਮਾ ਇਮਾਮ ਕਾਸਿਮ, ਜੰਗਨਾਮਾ ਇਮਾਮ ਹਨੀਫ, ਜੰਗਨਾਮਾ ਇਮਾਮ ਅਲੀ ਉਲ ਹੱਕ ਅਤੇ ਜੰਗਨਾਮਾ ਜ਼ੈਤੂਨ ਵਗੈਰਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਾਨੀ ਕਿੱਸੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਣ ਦਾ ਅਤੇ ਛਪਵਾ ਕੇ ਵਰਤਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਰਿਵਾਜ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਛਾਪੇਖਾਨੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਜ਼ਬਾਨੀ ਕਿੱਸੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦਾ ਰਿਵਾਜ਼ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਕਿੱਸੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਸਾ ਗੋ ਸ਼ਾਇਰ ਛਪਵਾ ਕੇ ਮਜਮਿਆਂ, ਇਕੱਠਾਂ, ਬੱਸਾਂ, ਬੱਸ ਅੱਡਿਆਂ, ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਵੇਚਦੇ ਰਹੇ। ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਭਈ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਾਣੀ, ਲੋਕ ਕਹਾਣੀ, ਕਿੱਸੇ ਅਤੇ ਦਾਸਤਾਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬੋ ਸਕਾਫਤ ਦਾ ਜਾਨਦਾਰ ਪਹਿਲੂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ ਨਿੱਕੀਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਤਫਰੀਹ ਤਬਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਾਰੀਖ, ਮੁਆਸ਼ਰਤ, ਵਸੋਂ ਅਤੇ ਰਹਿਤਲ ਬਹਿਤਲ ਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਅਤੇ ਅਦਬ ਦੇ ਅਜ਼ੀਮ ਜ਼ਖੀਰੇ ਦੇ ਇਕੱਠ ਦਾ ਵੀ ਬਾਇਸ ਬਣੀਆਂ। ਇਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਵੱਈਆ, ਨਫਸਿਆਤ, ਮਿਜ਼ਾਜ, ਰਸਮਾਂ, ਰਿਵਾਜ, ਹਕੀਕਤ ਪਸੰਦੀ, ਖੁਦਦਾਰੀ ਅਤੇ ਰੁਮਾਨਵੀਅਤ ਦੀਆਂ ਅਕਾਸ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨੇ, ਪਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਖਲਾਕੀ, ਮੁਆਸ਼ਰਤੀ ਤਰਬੀਅਤ ਅਤੇ ਬਹਾਦਰੀ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਬਾਇਸ ਵੀ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਕੀਕੀ ਪੇਂਡੂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਨੁਮਾਇਆ ਅਕਸ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ।